हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। ग्रुप डी में जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है 2019 की जो वैकेंसी थी उनमें, और फ्रेंड्स एनटीपीसी में जिन छात्रों ने फॉर्म को फिलअप किया है उनका बस इंतज़ार है कि कब परीक्षा की तिथि जारी की जाए। तो फाइनली आज आपका वेट जो है वो समाप्त होने वाला है इंतज़ार। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और फ्रेंड्स फिर आप कहते हैं कि आपने ये बताया फिर वो बताया। ठीक है, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही फ्रेंड्स एक बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस करें बेल आइकन को, और फिर आपको ऑल पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिएगा इस अपडेट को देखते हैं, क्या वो अपडेट है जिसमें परीक्षा की तिथि के बारे में बताया है। परीक्षा तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा इंतजार, ये अपने आप से ही एक अंदर से आता है कि यार परीक्षा, ये आपका ही नहीं मैक्सिमम सभी का इंतजार रहता है कि जब भी हम कभी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कब इसकी एग्ज़ाम डेट जारी की जाए, कब इसका एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं परीक्षा को। फ्रेंड्स, अगर आप 50 रुपये का कैशबैक अर्न करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोरपन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके फोरपन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। ध्यान रहे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसी लिंक पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तभी आपको 50 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा, जिससे आप अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने रिचार्ज वगैरह कुछ भी इससे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है नव भारत टाइम पर प्रकाशित की गई है, और देख सकते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2020, जाने कब होगी परीक्षा और कब जारी होंगे एडमिट कार्ड। यहाँ पर बड़ी अपडेट आपके सामने आ चुकी है। और फ्रेंड्स, यह देखिएगा, बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2019, आरआरबी एनटीपीसी पदों के लिए करीब 11 महीने पहले आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन जून से सितंबर के महीने में होना था 2019 में, लेकिन अभी तक इसकी एग्जाम डेट जारी नहीं की गई है। तो आगे देखिएगा, बताया गया है कि करीब एक साल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने करीब एक साल पहले नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी पदों के लिए भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 35,208 पद केवल एनटीपीसी में और नीचे ग्रुप डी की भी बात कही गई है भरा गया था। हालांकि अभी इन पदों के लिए एग्जाम डेट की तारीख भी तय नहीं हुई है। बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का आयोजन जून से सितंबर 2019 में किया जाना था। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे इस एग्जाम के लिए किसी कंपनी को नियुक्त करेगा, क्योंकि इन पदों के लिए रेलवे को 1.26 करोड़ यानी कि करीब आप कह सकते हैं कि 1.25 करोड़ आवेदन इसमें मिले हैं। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों का एग्जाम लेना रेलवे को एक बड़ी चुनौती है, इसलिए रेलवे किसी भी एग्जाम आयोजित करने के लिए एजेंसी की नियुक्ति की तैयार में है। आरआरबी के एक बड़े अधिकारी ने कहा था, मीडिया में दिए गए बयान में बताया था कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था मीडिया के बयान में कि अभी तक नई एजेंसी के लिए टेंडर भी जारी नहीं किया गया है, इसलिए अगले महीने भी एग्जाम डेट घोषित होने की उम्मीद कम है। यानी फरवरी में, यहाँ पर बताया गया है फरवरी में भी आपकी एग्जाम डेट होने जारी होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। बताना कि इन पदों के आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च 2019 से शुरू हुई थी, 31 मार्च 2019 को खत्म की गई थी। इसके साथ ही रेलवे ने 1,00,000 लेवल वन के पदों के लिए भर्ती के आवेदन मांगे थे, यानी कि जो 2019 की ग्रुप डी की वैकेंसी उसकी बात की गई है। यहाँ पर इन दोनों ही पदों के लिए एग्जाम की तारीखों की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। रेलवे का कोई भी अधिकार इस पर बोलने से बच रहा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं बड़ी खबर ये निकल कर आई हुई है। और फ्रेंड्स, एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर जो है एक साल पूरा होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक महीने बाद फरवरी निकलने के बाद मार्च की 1 तारीख को पूरा 1 ईयर हो जाएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी परीक्षा की तिथि जारी यहाँ पर नहीं की गई है, और ना ही जो है आपका आपकी जो एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली, ना ही उसका चयन अभी किया गया है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये है कि जो आपकी एग्ज़ाम है ना ही फरवरी में होने की उम्मीद है, ना ही मार्च में होने की उम्मीद है। मार्च में मैं 20% कह सकता हूँ कि 20% हो सकते हैं, लेकिन मार्च की भी कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं जताई जा रही है। उम्मीद परीक्षा तो ये जताई जा रही है कि अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम डेट जारी की जाएगी। ठीक है, अगर ये फरवरी में भी एजेंसी का चयन नहीं हो पाया तो अप्रैल में भी मुश्किल है एग्ज़ाम करवाना। ठीक है,
अप्रैल में भी मुश्किल है, अगर फरवरी में भी आपकी एजेंसी चयन नहीं हो पाई तो फरवरी फरवरी में, ठीक है। तो देखना यह है कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट जारी की जाए, और जैसे ही कोई इसका ऑफिशियल नोटिस आता है मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फ्रेंड जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट मिलता है मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और फोर फेयर एप्लीकेशन का लिंक फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके इंस्टॉल करें। स्टडी के साथ साथ अर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए।